बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब खैरियत होंगे और आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। कानी भाई आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर है। अच्छा, तो आज एक हमारा टॉपिक है कि फ्यूचर में कमर्शियल बर्ड हमारा कौन सा है, जिसमें कर्मिनो, डकिनो, अल्बाइनो, ये तो हमारा कमर्शियल बर्ड था ही है, ठीक है। आगे आने वाले सालों में हमारा कौन सा बर्ड कमर्शियल बर्ड होगा। कमर्शियल का मतलब है जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, जो ज़्यादा खूबसूरत होगा और जो ज़्यादा लोग उसकी खरीदो फरोख करेंगे। आज मैं उस बर्ड के बारे में बात करने लगा हूँ, वो है पेल फैलो। जिस तरह हमारा अब 4-5 सालों से अल्बाइनो, क्रिमिनो, डकिनो, ये चल रहा है हमारा कमर्शियल बर्ड, आने वाले सालों में हमारा कमर्शियल बर्ड चलेगा पेल फैलो। अब पेल फैलो को आप डिफरेंट म्यूटेशन में लेके जाएं, ऑफलाइन में लेके जाएं, डाइल्यूट में लेके जाएं, ठीक है, पेल फैलो की डिमांड आने वाले सालों में रहेगी, ठीक है। आप लोग भी, मैंने भी पेल फैलो पे इस साल वर्किंग काफ़ी की, आप लोग भी करें। मैं क्या, जो मैं अपने पास लगा रहा हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ट्रेनिंग के कुछ ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेता हूँ पेल फैलो की। पेल फैलो को स्ट्रॉन्ग जीन कैसे बनाया जाए, पेल फैलो की ट्रेनिंग कैसे की जाए। अब पेल फैलो में सबसे पहले आप एक विजुअल बर्ड ले लें, विजुअल आप समझ लें मेल फीमेल जो मर्जी ले लें। मिसाल के तौर पे आपने ब्लू पेल फैलो ले लिया या पार ब्लू पेल फैलो ले लिया। अब ये फीमेल समझ लें, ब्लू पेल फैलो फीमेल है, उसको आप ऑफलाइन में लेके जाएं, स्प्लिट बेसिक बना लें, ठीक है। स्प्लिट की भी डिमांड है, ठीक है। सिंपल ऑफलाइन का तो इतना आजकल लेट ही इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन अगर ये ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो हो जाए ना, उसकी डिमांड हो जाएगी, ठीक है। आपका ऑफलाइन भी इजीली सेल हो जाएगा। आप एक विजुअल पेल फैलो लेके उसको सिंपल ऑफलाइन के साथ लगा लें, पार ब्लू ऑफलाइन का मेल और ब्लू पेल फैलो की फीमेल, ठीक है। ये पेड़ लगा लें, इसमें से आपके पास सारी फीमेल है, पार ब्लू ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फैलो की फीमेलें आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मेल ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फैलो, ये आपके पास मेल आएंगे, इसमें डीएनए करवाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह की आप डिफरेंट ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्प्लिट टू विजुअल हमेशा ट्रेनिंग करें, ठीक है। विजुअल टू विजुअल पेल फैलो में ट्रेनिंग नहीं करनी है, वीक ब्लड लाइन है पेल फैलो, ठीक है। जब वीक ब्लड लाइन होती है बच्चे मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सर्वाइव इतनी जल्दी करता नहीं। विजुअल टू विजुअल आप स्प्लिट टू विजुअल लगाएं, ठीक है, या स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं। यानी स्प्लिट टू स्प्लिट में आपके पास अच्छी शक्ति है, रेशियो अच्छी आएगी बच्चों की, ठीक है, पेल फैलो भी आएगा, लेकिन उसमें एक ये मसला आपके पास पॉसिबल पेल फैलो आएगा। लेकिन पॉसिबल पेल फैलो समझ लें आप 80% पॉसिबल कन्फर्म हो जाते हैं, उसको आप अपने पास रोक के रखें, ना कि सस्ते दामों में उसको सेल करने से बेहतर अपने पास होल्ड करें, उनको सर्टिफिकेट करवाएँ। और एक और मेन चीज़, पॉसिबल को आपने हमेशा विजुअल के साथ लगाना, फिर आपके पास जाके कन्फर्म बच्चे कन्फर्म हो गए पॉसिबल हत्या के कन्फर्म है या नहीं। पॉसिबल पेल फैलो को आपने लगाना है कन्फर्म किसी विजुअल पेल फैलो के साथ, फिर आपके पास कन्फर्म हो जाएगा। एक दो क्लच में पता लगेगा, अगर कोई पेल फैलो आ गया तो आपके पास ये कन्फर्म हो जाएगा। अगर पेल फैलो ना आया समझना फिर वो सादा सिंपल बर्ड होगा, ठीक है। बाकी मैंने पहले पेल फैलो पे वीडियो भी बनाई है, पेल फैलो की पहचान कैसे होती है। पेल फैलो को मैंने ग्रीन पेल फैलो, ब्लू पेल फैलो दोनों में मैंने आपको पैर के इसकी पहचान किया है। मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, ठीक है, चैनल में गए सानी भाई साल के लिए, उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करें, वहाँ पे आपको आ जाएगा कि मैंने पेल फैलो की पहचान के बारे में बताया हुआ, ठीक है। इसी तरह आप भी पेल फैलो लगाएं, कमर्शियल बर्ड लगाएं जो आने वाले सालों में डिमांड है। रेड बर्ड की हमेशा डिमांड है, ये अभी क्रिमिनो डकिनो की तो डिमांड है ही है, पेल फैलो की भी इंशाल्लाह आने वाले सालों में उसकी भी डिमांड होगी। फिर उसके अलावा जो रेड बर्ड आ जाता है हमारा डन फैलो, डन फैलो की डिमांड रहेगी इंशाल्लाह, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी पेल फैलो को डाइल्यूट में लेके जाएँ, स्प्लिट डाइल्यूट स्प्लिट पेल फैलो बनाएं, 2-3 साल की आपकी वर्किंग होगी, लेकिन यह है कि आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा, इसकी भी वर्किंग करें, ठीक है। एक इस पर मैं अलग तो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, डाइल्यूट पेल फैलो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इस पर अलग वीडियो बन जाएगी। इसी तरह मैं अपने शर्ट में जो भी पेरिंग लगाऊंगा, अब हमारा तो माशाल्लाह से प्रॉपर शर्ट बन गया है। अब उम्मीद मेरी यही है, कोशिश मेरी यही होगी कि हफ्ते में 2 से 3 वीडियो मैं लाजमी अपलोड करूं, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को इसमें फ़ायदा हो। बाकी आप लोग कुछ न्यू फैंसर जो होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता, किसी चीज़ का पता नहीं होता। मैं
कहना चाहता हूँ कि जो पुराने बंदे हो गए, पुराने लोग हो गए, वो न्यू फैंसर को हमेशा सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पर न्यू फैंसर को इतना भी नहीं पता होता अल्बाइनो एडे जो अल्बाइनो ब्लैकी के साथ क्या लगे हैं, उसमें से क्या आता है, लगाएं तो उसके साथ क्या आता है, ठीक है। उनको इसका चीज़ का भी नहीं पता होता, आप लोग उनको लाजमी ये चीज़ें बताया करें, उनके साथ डिस्कस किया करें। अब ये समझना कि बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा बच्चों वाली बात कर रहे हैं, इसको अब ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता होता, हमेशा गाइड किया करें न्यू फैंसर को, सही तरह चलेगी, सही तरह प्रमोट होगी, इसी तरह आप लोग भी इसको प्रमोट करते रहें, न्यू फैंसर को सपोर्ट करते रहें, मेरी भी यही कोशिश है, ठीक है। बाकी मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर से उसको मेरा सेव करके अपना नेम सिटी मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपको नंबर सेव कर लूँगा। बाकी मैं स्टेटस वगैरह पे लगाता रहता हूँ, कुछ चीज़ होगा आप लोग भी देख लेंगे। बाकी इसी तरह कोई आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसके भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलो जी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मैं एक ये सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाता हूँ पेल सालो की, सारी पेयरिंग जो मैं बताता हूँ, ठीक है, सबसे सस्ती पेयरिंग कौन सी बनती है पेल सालो की, ठीक है, और मीडियम साइज में सबसे महंगी, ये तीन रेंज में एक वीडियो बनाऊँगा, तीन रेंज उसमें बताऊँगा, ठीक है, जिसमें पेल सालो आपके प्रोड्यूस होगा और उसकी डिमांड भी रहेगी, ठीक है। इसी तरह आपने मेरी वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। शानी भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।